Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं अल्लाह पाक से। बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि आज मार्केट आपने देखा है कि पहले सेशन में ज़बरदस्त गई है। इस वक्त जुमे की ब्रेक है जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ, और मार्केट तकरीबन 500 पॉइंट प्लस है। उसकी वजह है कि मार्केट में गर्दिश कर रही है न्यूज़ के FATF में जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। तो दोस्तों ऐसे है कि अभी निकाला तो नहीं गया, ये कुछ फेक न्यूज़ भी डाली गई है, लेकिन ये है कि लाइकली टू रिमूव फ्रॉम दी FATF में ग्रे लिस्ट से, ठीक है, कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको पहले मैंने बताया कि माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत सी अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो तैयार बैठी हैं। टेक्निकली भी जो आप देखें कि इस वक्त ओवरसोल्ड मार्केट है, बहुत चीप रेट पर सारे स्टॉक मिल रहे हैं, और IMF का भी जो प्रोग्राम है बड़ी नियर टू कमिटेड है, यानी कि बहुत बहुत करीब है कि ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपको आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी खबरें हैं, न्यूज़ हैं। मैं पहले ही आपको बताता रहा हूँ पूरे वीक डेढ़ वीक से कि आप मायूसी छोड़ दें ऐसी न्यूज़ों की तरफ, ऐसी न्यूज़ जो कि आपको नेगेटिविटी फैला के आपके माल को लॉस में, पैनिक में सेल करवा देते हैं लोग, उनसे बचें और अपने कीमती सरमाए को महफूज करें और सेल कुछ ना करें। क्योंकि बात यह है कि जो तो प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉस में क्यों सेल करें? क्योंकि मार्केट आगे इंशाल्लाह आपकी बेहतर होनी है, तो आप प्रॉफिट में ही सेल करेंगे। तो दोस्तों अब ये है कि FATF का रात को 7 बजे इंशाल्लाह ताला इसका रिजल्ट है, तो उम्मीद तो बड़ी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन बात यह है कि अगर रियलिटी की तरफ भी आप देखें थोड़ा सा, कि पाकिस्तान के जो अपोजिट अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी बिरूनी ताकतें कुवतें हैं जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकती और इनको तरक्की करता नहीं देख सकती, तो जिसमें अब आपको पता ही है जिसमें काफ़ी सारे मुल्क हैं, जिसमें अमेरिका भी है, उसके बाद बरतानिया भी है, यूरोपियन भी कुछ कंट्री हैं, इसराइल भी है, इंडिया भी है। तो बात ये है, आपको पता है कि ये इदारे जो हैं ये अगर गैर जानिबदार हो जाए ना, कि बिल्कुल किसी की ना सुने, तो पाकिस्तान तो बहुत देर का ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया होता। लेकिन इनको भी मजबूरियां होती हैं, इन्होंने बातें सुननी होती हैं, किसी की इंस्ट्रक्शन पे चलना होता है, तो जिस वजह से ये सारा मामला जो है ना वो अपना पेंडिंग हुआ है। और देखें आज भी बिरूनी कुवतों की जीत होती है या FATF की जीत होती है और पाकिस्तान की जीत होती है, और क्या बनता है। तो दोस्तों बात यह है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि FATF से मैं अगर अनाउंस कर देता है FATF के पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया और इसको क्लीन चिट मिल गई है, तो दोस्तों आपका इंडेक्स जो है वो 50,000 तक जाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पे न्यूज़ एक और बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए आ रही है, जो IMF की, अब देखें ना हर किस्म की शरायत कम्प्लीट हो गई और जो पेट्रोल के जितने प्राइसेस करने थे वो कर दिए हैं। अब जो है इनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो इशू करनी है, इन्होंने फर्स्ट ट्रांचे जो है वो इशू करनी है स्टेट बैंक के लिए, पाकिस्तान स्टेट बैंक के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह अनकरीब अब हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों इन सब ने जो IMF के साथ अपने आप को मशरूत कर दिया था, जो कि वर्ल्ड बैंक है और एशिया डेवलपमेंट बैंक है, UAE है, सऊदी है, चाइना है, तो IMF का मामला होते साथ ही ये तमाम फिर आगे आ जाएंगे। और दूसरे नंबर पे जब पाकिस्तान FATF से भी क्लियर हो जाएगा, वाया ग्रे लिस्ट से निकल आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए और भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान को तरक्की से कौन रोकता है, और इंशाल्लाह आपका इंडेक्स जो है वो 50 क्रॉस कर सकता है, 50 इंडेक्स आपका KSE 100 इंडेक्स, और जितने ब्लू चिप्स जो ओवरसोल्ड हुए हैं, जो आधी आधी कीमतों पे आए हुए हैं, वो सारे के सारे अपने टारगेट पे अचीव करेंगे और इंशाल्लाह आपके मामलात बेहतर हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इंशाल्लाह अभी 2 दिन बाकी हैं, हफ्ता इतवार, जिसमें आपको सारी स्ट्रेटजी भी देनी है कि FATF के रिजल्ट के बाद और IMF के मामलात, इन सब के बाद क्या मामला चलेंगे, टेक्निकली मार्केट कहाँ पर खड़ी है,
तो इनका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया कौन सा है और किस जोन में मार्केट रह सकती है, इंशाल्लाह कल की वीडियो में फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और तजर्बा ना होने की वजह से डेली लॉस बुक करते हैं। हम इस मसले का एक नया हल लेकर आए हैं। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप मुतारिफ करवा रहे हैं जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है। इसके साथ ही साथ हम PSX लर्निंग कोर्स भी शुरू करवा रहे हैं जिसमें आपको तमाम मालूमात दी जाएगी PSX के बारे में और आपको एक बिग प्लेयर बना दिया जाएगा। हमारा ग्रुप ज्वाइन करें और रोजाना के लॉस को करें बाय बाय। तो स्क्रीन पर ये नंबर चल रहा है, इस पर रابطہ करें और इन दोनों में से जिस चीज में भी आप इंटरेस्टेड हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं। इंशाल्लाह फिल वक्त तो यही है कि आपको मैं एक चीज की अनाउंसमेंट कर दूं कि आपके लिए आगे इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट में खुशखबरियां ही खुशखबरियां। जो नए इन्वेस्टर हैं जिनके पास फ्रेश सरमाया पड़ा है उनके लिए भी ये गोल्डन वक्त है कि वो स्टॉक मार्केट में आए, मुझसे रابطہ करें, किसी से भी करें और इसमें अच्छे अच्छे ग्रोथ स्टॉक जो के अपने 50% रेशो पे पड़े हैं, 50% कीमत पे पड़े हैं, उनको उठाएं, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से डिजाइन करें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। ये मौका मेरे ख्याल में हिस्ट्री में कोई 25 30 40 साल बाद कभी मौका इस तरह का आता है कि इस पोजिशन पर मार्केट खड़ी हो और आप स्टॉक लेना चाहें। ठीक है, तो दोस्तों आज आपके लिए मैंने 13 स्टॉक्स निकाले हैं जो कि जबरदस्त किस्म के स्टॉक हैं और इनका भरना नागुजीर है, जिनके टेक्निकल्स मैं आपके सामने रख दूंगा, आप इनको स्टेप बाय स्टेप आप ले सकते हैं। और कल और परसों में भी कुछ स्टॉक निकालूंगा जो 3 दिनों में आप इनमें से कोई भी स्टॉक लें, अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह के फजल से ये तमाम बढ़ेंगे। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले है जी GHNI गंदारा निशान इंडस्ट्रीज, दूसरे नंबर पे MTL मिल्लत ट्रैक्टर लिमिटेड, उसके बाद है जी तीसरे नंबर पे पेल पार्क इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, चौथे नंबर पे है वेव सिंगर पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद पांचवें नंबर पे है चिराड सीमेंट, CHCC एब्रिविएशन है इसका, उसके बाद है जी छठे नंबर पे है जी डीजी खान सीमेंट DGKC, सातवें नंबर पे NRSL निमर रेजिन केमिकल लिमिटेड, उसके बाद है जी अवेंशियन AVN, उसके बाद है नेटसोल NETSOL, उसके बाद है जी ऑक्टोपस, उसके बाद है सिस्टम्स लिमिटेड जिसको हम सिस के नाम से भी जानते हैं SYS, उसके बाद है जी OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, उसके बाद लास्ट है जी TPL। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके स्टॉक थे, इसका खरीदना नागुजीर है, आप इनको ले सकते हैं बिला खौफ खतर, टेक्निकली बेस्ट हैं, आपके सामने रख दी गई हैं और आप देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं, किन स्टॉक को डिसाइड करते हैं और लेते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आपका खादिम आपका मुखलिस हमेशा ज़्यादा लाभ।